दो खुदकुश हमले भी हुए जिसमें अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा आप ज़ख्मी हुए दूसरे हमले में आपके बेटे ज़ख्मी हुए उसके बावजूद भी आपने अपने हलके में अपने इलाके में जाना नहीं छोड़ा जबकि वली ख़ान साहब के बारे में कहा जाता है वली असमंदाबे जब अटैक हुआ था तो एवान सदर पहुंच गया और उसके बाद वो मुल्क से ही बाहर चले गए तो आप समझते हैं कि अवाम के करीब रहना और उनके साथ अपना मतलब शेयर करना उनके मसायल सुनना यही आपकी मकबूलियत का बायस है आपके इलाके में बात है क्योंकि सियासत अगर आपने इस मुल्क की सियासत करनी है तो वो रिमोट कंट्रोल से तो नहीं हो सकती आपने वहाँ पर लोगों से मिलना है उसके लिए तरीक़ार ढूँढना है और ये हम समझते हैं कि मेरे दोनों बेटे जो दूसरा वाक़ दूसरे इंसिडेंट में दोनों बेटे थे और पहले वाले में एक बेटा था दूसरे में दोनों बेटे थे और जो मेरे बेटे हैं सूबाई असम्बली के मेंबर हैं उस पर एक और अटैक भी हुआ और वो खुशकिस्मती से उसको सुसाइड वाले बॉमर्स को बॉमर को जो था उसको मार दिया गया था वो पहले से उनको पता चल गया तो तीन अटैक इस लिहाज से हुए और कुछ और अटैक्स भी जो हमें बाद में पता चलें कि एक प्लान हुए थे लेकिन खुशकिस्मत से बच गए लेकिन ये तो अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी और मौत तो उनके हाथ में है तो इससे डरना तो मैं समझता हूँ कि सियासत में कम से कम हमने ये सीखा और जब आ, मेरे भाई को भी आ, जब आ, उनका ये वाक़ हुआ उनको शहीद किया गया तो उससे पहले उन पर भी अटैक एटेक, अटैक्स हुए थे और हम तो सियासत में आए इसलिए हैं कि ये जो मुल्क में सियासत में जो तशद है और जिस तरीके से ये सिलसिला चला है इसके ख़िलाफ़ हमने एक जिहाद करनी है तो उसमें तो हमने पीछे किसी सूरत में भी नहीं अच्छा खान साहब ये बताइएगा अगर हम अभी के मौजूदा हालात की बात करते हैं तो कभी कैरी लूगर पर बहस शुरू हो जाती है कभी एन आर ओ का मसला आ जाता है कभी हम आइनी तरामीम में उलझे रहते हैं तो ये आज जो हुकूमत है या हमारे सियासतदान हैंम को कौन से इशूज़ में उलझाए हुए हैं रियल इशूज़ की तरफ क्यों कोई बात नहीं कर रहा और आपकी नज़र में इस वक्त वाकई में रियल ईशूज़ हैं क्या ये हमारे मुल्क का डलमा है मेरा ख्याल है कि लीडरशिप आस्था आस्था डी जनरेट होती जा रही है और इनको तो बड़ा अच्छा मौक़ा मिला क्योंकि एक तो मैंडेट के साथ आए दूसरा ऑपोजिशन ने भी इनका साथ दिया खासकर जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो जो इशू है उस पर तो अपोजिशन ने भी साथ दिया और इतना अच्छा मौका इनके हाथ से निकल गया और अब तो ऐसे पस गए हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये इनके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता मुझे कोई रोड मैप इनका नहीं नज़र आ रहा कि ये किस तरफ जाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं डायरेक्शन है। कुछ नहीं है तो उस लिहाज से लोग मायूस हो गए हैं जिस होप्स और एक्सपेक्टेशन और उम्मीदों के साथ लोगों ने इनको वोट दिया था आज उसी तरीके से मायूसी दिन ब दिन पैलती जा रही है और मायूसी हवा में है मायूसी आ, हर माशरे में है और हर एक ड्राइंग रूम में अगर आप जाएं किसी हुजरे में जाएं किसी कहाँ जी कहीं पर भी जाएं तो लोग ये कहते हैं कि इस हुकूमत ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं, नहीं किया इसमें अभी जो असल मसले हैं एक तो सिक्योरिटी का मसला जो है आ, ये एक अहम मसला है क्योंकि अगर एक मुल्क में सिक्योरिटी नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी आपकी इकोनमी ख़राब होगी और वो हो रहा है तो उसके ऊपर भी तवज्जो तो इन्होंने वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कि, कि ये इशू है क्या उसके बाद आ, बिजली का मसला है गैस का मसला है चीनी का मसला है आटे का मसला है तो ये सारे मसले तो डेली की जो जरूरत है आम की उनकी तरफ तो कोई तवज्जो दे कोई नहीं रहा नहीं दे आप वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी रह चुके हैं आपकी नज़र में अभी भी इतना मसला बढ़ा हुआ है क्यों पाकिस्तान में इतने सालों से इतने अरसे से ये मसला हल नहीं हो पा रहा क्या वजह मसला तो जब तक हम थे तो इतनी शॉर्टेज तो नहीं थी उस वक्त तकरीबन ये तीन चार साल उस वक्त ग्रोथ रेट एक बढ़ गई और उसकी वजह से ये फाइनेंसिंग विशु बैंक ने फाइनेंसिंग शुरू कर दी लोगों ने एयर एयरकंडीशन खरीदने बड़े तादाद में लिए तो उसकी वजह से उसमें इजाफा हुआ लेकिन ये है कि कोई डैम नहीं बन सका ये ये सही बात है कि हाइडल्स की तरफ हमने तोज्त तो दी लेकिन इसमें वक्त लग डैम्स ना बनाना आपकी हुकूमत की ना अहली थी मैं ये समझता हूँ क्योंकि आ, मुशरफ साहब चाहते थे कि वो काला बाग की तरफ कोशिश हाँ। करे उन्होंने उनका मैं कोशिश करता हूँ तो को कालाबाग में लगा दिया और बाकी चीजें रह गई हाँ उसकी वजह से वो कन्सेंस नहीं बन बना पर हमने कहा था उनको कि भाई ये कॉन्सेंसिस मुश्किल होगी हाँ। इसके ऊपर तो आप किसी और जगह पानी चाहिए आपको हाँ। पानी और बिजली चाहिए तो वो अगर ए सोर्स से मिले या बी सोर्स से मिले या सी सोर्स से मिले जो भी सोर्स हो लेकिन आपको अगर आ, मिल जाए तो वो बेहतर है तो बादशाह पे अगर ज़रा पहले इसके ऊपर काम शुरू हो जाता तो शायद अभी भी, भी सात आठ साल और भी लगने थे लेकिन ये है कि वो एडवांस हो जाता हमारे वक्त में कोस्तान में और स्वात में हाइडल्स शुरू हुए छोटे प्रोजेक्ट्स उस पर काम अब भी जारी है लेकिन वो अर्थ पे की वजह से भी उसको कुछ दचका लगा और जो फर्म्स हैं ख़ासकर चाइनीज़ वो ज़रा उसने काम भी सुस्त किया लेकिन ये अभी ऑन बोर्ड आ जाएंगे इसके अलावा कुछ जो ये अब ये कह रहे हैं कि जी हम इतने प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं ये सब उस वक्त के शुरू हुए प्रोजेक्ट्स हैं और उस वक्त चूंकि

वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं कुछ तो बंद हैं सदरन इलेक्ट्रिक बंद है जापान इलेक्ट्रिक है वो बंद है और बाक़ी जो हैं वो वन थर्ड कैपेसिटी पे चल रही है अभी परसों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कैप को और एक दो और वहाँ पर हैं कराची में वो भी एक दो दिनों में बंद होने वाले हैं क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है नहीं। और उनको पैसों की अदायगी नहीं हो रही तो ये अगर हो जाता साथ ही साथ हमारे जो शुगर मिल्स हैं और टेक्सटाइल मिल्स हैं वो भी बिजली पैदा कर सकती है कैप्टिव बिजली तो उससे भी तकरीबन डेढ़ हज़ार से लेके दो हज़ार मेगावाट बिजली आप पैदा कर सकते थे तो इसके ऊपर आप तवज्जो देते लेकिन इन्होंने रेंटल्स की तरफ ये गए और रेंटल्स में जो अब अखबार में भी आ रहा है ए डी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो कहते हैं कि इससे 42 परसेंट बिजली के रेट्स में इजाफा आपको करना पड़ेगा ठीक इस वक्त आपने सिक्योरिटी इश्यूज़ का जिक्र किया था खास साहब इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर हुए अहमद खान शेरपाव साथ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दहशत के खिलाफ जारी जंग के हवाले से बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक